योगी जी, आप पार्लियामेंट इलेक्शन और आप कह रहे थे कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का झंडा लहरा रहा है। मैं आपको याद कराना चाहती हूं कि अभी हाल ही में कुछ 5 स्टेट्स के चुनाव हुए थे और बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीजेपी ये इलेक्शन जीत नहीं पाई। हारना तो मुश्किल है कहना, क्योंकि बीजेपी वहां पहले थी नहीं और 3 सीट से 78 सीट पर गई, पर जीत नहीं पाई जिसकी घोषणा पहले दिन से बीजेपी कर रही थी। योगी जी, अब अगले जो स्टेट्स इलेक्शन में जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भाजपा की इस वक्त सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ के कंधों पर टिकी हुई हैं, आप खुद क्या समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है आपके ऊपर, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो भाजपा को किसी भी हालत में जीतना ही है, नहीं तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा भाजपा पे। ये आप पर कितना प्रेशर डालता है? देखिए, अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव में असम में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वापसी हुई है, पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 से बढ़कर के 77 सीटें जीती है। हमने बढ़ोतरी की है और लोकतंत्र में हम लोग हमेशा हर प्रकार की उस परिस्थिति के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, ये गलत है। चुनाव वे लोग हारे हैं जिनका पहले वहां वजूद था, आज नामोनिशान मिट गया है। जिन लोगों ने एक लंबे समय तक बंगाल के अंदर शासन किया था, लेकिन आज वे कहीं परिदृश्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना अपना वोट बैंक बंगाल के अंदर बढ़ाया है और ये आगे की एक संभावना भारतीय जनता पार्टी में बंगाल की जनता देखती है। परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण कोरोना महामारी के उस संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने से वंचित रही, लेकिन लोगों के मन में एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर आएगी जरूर। जहां तक आगामी लोक विधानसभा चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिणाम पहले की तरह ही उज्ज्वल रहेगा और उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आएगी, इसमें कोई संदेह किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। लगातार 2017 के बाद जो जनादेश मिला है, 2017 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद दो बड़े उपचुनाव यूपी के अंदर हुए हैं, इन उपचुनाव में और पंचायत चुनाव में ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा।